सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, एक माइनस पॉइंट है कभी इसमें, इसमें से कोई अंजर पंजर ढीला होकर गिर जाएगा ऐसा। न्यू ब्लॉग गाइस, कैसे आप सब गाइस, आई होप आप सब बढ़िया हो गए गाइस, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ गाइस। सो गाइस, आज का तो आपने थंबनेल देख ही लिया, आज का कंटेंट हमारा क्या है। तो आज हम लोग अपने स्कूटी के एंटो के 5 नेगेटिव पॉइंट्स बताने वाले, जो कि मेरे को पर्सनल लगे। ये मैंने जून में ली थी, अभी तो 6-7-8 महीने हो गए और मेरे को इसमें ये नेगेटिव पॉइंट्स लगे, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये खड़ी अपनी एंटॉक, और भाई हो तो मेरे को इसमें सबसे पहले अपना नेगेटिव पॉइंट लगा है मेरे को, एक तो इसमें है लॉक, ये बूट का लॉक इसका। एक्चुअली इसमें क्या है कि कभी कभार मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये देखिएगा, जैसे ये चीज़ है ना, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये चीज़ ना कभी कभार बीच में अटकी रह जाती है, तो इस वजह से लॉक नहीं लग पाता ये, चाहे जितना भी हम लगाते। अभी तो देखिए लग रहा है आराम से, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि इसको ऐसे ओपन किया और ये चीज़ जो है ना इसकी, ये सेंटर वाली ये चीज़ ना आधी ही रह जाती है, इस वजह से ये बंद नहीं हो पाता। तो इसका एक तो लॉक तो मेरे को ये फेस करना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, ओके है। लेकिन इसमें यह है कि शुरू से मेरे को ये फेस करना पड़ रहा है कि इसको ना ऐसे मारना पड़ता है, तब जाके बंद होती है ये। ये देखिए आप, अभी इसको मैं नॉर्मली बंद कर रहा हूँ, नहीं हो रही। इसको हमेशा ऐसे मार के तब बंद होती है। एक तो सबसे पहला पॉइंट इसमें मेरे को ये नेगेटिव लगा कि ये बहुत बड़ी वाली दिक्कत है इसमें, जो कि मेरे को करते हर बार मारना पड़ता है इसमें, तब जाके ये बंद होता है। और दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है इसके शॉकर्स, क्योंकि जब मैं इसको हल्के फुल्के, जैसे आपको मालूम है भाई, दिल्ली में चलाते हैं तो कैसा उसमें गड्ढे है कितने, हालांकि इसके शॉकर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके शॉकर ऐसे है कि बहुत धप 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 बोलती है एकदम, ये कि जैसे हल्का सा भी गया तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे अभी पता नहीं कुछ लड़खड़ा के गिर जाएगा, अभी इसमें इसमें से कोई अंजर पंजर ढीला होकर गिर जाएगा ऐसा लगता है, मेरे को फील आता है। तो इसमें एक तो ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि जैसे चलाते हैं तो, एक्चुअली मैंने TVS की जुपिटर भी चलाई है तो उसमें मेरे को इतना नेगेटिव ये लगा नहीं है कुछ, क्योंकि गड्ढों में चलाई है तो आराम से स्मूथली निकल गई है, और ये तो जाती है ये तो खटखट खटखट बोलने लग जाती है। एक तो ये इसका मेरे को बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि कभी हाईवे पे भी जाते हैं डायरेक्ट एकदम से गड्ढा आता है तो कभी लगता है कि कुछ यार टूट टाट ना गया, और रोक के देखनी पड़ती है, डर बैठ जाता है गाइस बिल्कुल एकदम। तो इस चीज़ का एक मेरे को ये पॉइंट लगा है। भाई लोग, इसमें मेरे को सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, एक माइनस पॉइंट है कि ना इसमें, ये देखिए आप, पूरी फाइबर बॉडी, ये पूरी सब सब कुछ है फाइबर, कुछ है ही नहीं लोहे का, बस इंजन के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये देखिए सब कुछ पूरा पूरा फाइबर बॉडी है, ये तो ज़रा सा भी अगर लग गई, गिर गई ज़रा सा भी, ये तो धड़ देनी पूरी घिसट तो ही जाएगी, और पार्ट्स इसके इतने महंगे हैं कि मिलना मुश्किल है, एक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसकी, क्योंकि एक्चुअली मेरी आपको मालूम है मैं कैसे गैलरी में खड़ा करके रखता हूँ, और देखिए मेरे स्क्रैचेस कितने आ चुके हैं, ये इधर आ गया स्क्रैचेस, ये देखिए ध्यान से आप जैसे देखिएगा, ये सारे ये सब स्क्रैचेस आ गए, बाकी तो इधर से बिल्कुल साफ़ है स्कूटी, हल्का एक पता नहीं ये आ रखे है ये, और ये बस स्कूटी पूरी साफ़ कर रखी है, साफ़ रख रखी है मैंने बस। एक तो ये बहुत बड़ा है इसका माइनस पॉइंट। अब तक टोटल 3 हो चुके हैं, 2 और बच्चे हैं, जो कि भाई आपकी ये सीटिंग पोजीशन है, आप इसकी एक बार ऐसे इस एंगल से सीटिंग पोजीशन देखिए कैसी है, नॉर्मल स्कूटी खड़ी है तो पूरी एकदम नीचे की तरफ है, आगे बंदा जो चलाएगा उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चला लेगा ठीक है, लेकिन जैसे इसमें ब्रेक हल्का सा भी मारेगा ना तो यहाँ से बंदा स्लाइड होकर सीधा हमारे अंदर घुसेगा। एक ये भी बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि मेरे भी एक्चुअली दोस्त बैठे हैं इसमें स्कूटी पे मेरे साथ में, और मैं भी बैठा हूँ पीछे, उन्होंने मेरी चलाई है तो मेरे को भी बहुत बड़ा लगा है, जब भी ब्रेक मारते हैं वो हल्का सा मारते हैं तो एकदम आगे से फिसलने लगता हूँ मैं, तो इसकी ये बहुत बड़ी दिक्कत है गाइस। और गाइस इसमें एक सबसे लास्ट जिसका एक माइनस पॉइंट है इसका स्पीडोमीटर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्पीडोमीटर में इसके फ्यूल एम्प्टी दिखा रहा है, और ट्रिप है 6.8 किलोमीटर, मतलब रिजर्व पे मैं 6.8 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो अभी आप देखिए जैसे कि ये ट्रिप ए और ट्रिप बी और ट्रिप एफ, तो इसमें एक तो मेरे को ये लगता है कि जैसे ट्रिप एफ पे तब आती है जब इसमें इसमें ना 2 बार्स होते हैं फ्यूल के, अभी जैसे ब्लिंक हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे 2 बार्स दिखाएगा फिर सीधा ब्लिंक होगा, ऐसा भी नहीं कि 2 बार हो गए सिंगल होगा फिर उसके बाद वो ब्लिंक होना स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले माइस्ट्रो एस थी वो 2 बार से सिंगल बार होता था फिर ब्लिंक होना स्टार्ट होता था रिजर्व पे ओके, तो मेरे को उसमें वो सही लगता था पॉइंट, इसमें मेरे को पता भी नहीं लगता कि
क्या अब कब ख़त्म होगा, कब नहीं ख़त्म होगा। एक्चुअली मैंने रिजर्व पे इसको मैंने एक दिन चला दी, मैंने 22 किलोमीटर समथिंग चला दी। किलोमीटर चलने के बाद ही अपने आप बंद हो गई, इतना तो मेरे को मालूम था। रिजर्व पे कम से कम 30 या 35 कुछ तो देगी माइलेज ये इतना रिजर्व पे, क्योंकि मेरे को कंपनी ने बताया था कि इसके 1.2 कुछ ऐसी बुकलेट में मैंने देखा था। और मेरे को वैसे भी किसी ने बताया था कि 1.5 लीटर या फिर 1.2 लीटर रहता है ये जब रिजर्व पे हो जाती है स्कूटी। तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं, मेरे को लगा चल 30-35 सौ निकाल देगी। लेकिन एक टाइम पे एक दिन ऐसा हुआ कि 22 पे आके ख़त्म हो गई मेरी। उस दिन हो गई भाई मैंने क्या गलती कर दी इसको लेके, मेरे को तो लेनी चाहिए थी, इससे बढ़ता स्प्लेंडर ले लेता मैं तो कुछ ही नहीं। फिर वो बस एक टाइम हुआ था, हो सकता है कि क्या पता किसी ने मेरी स्कूटी में से पेट्रोल निकाल लिया हो या फिर मैं ज़्यादा मैंने रैश ड्राइविंग की उस वजह से हो गया हो। लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं था गाइस, ये कम से कम 60 अराउंड चलती है, 60 या 55 तो पक्का चलती है रिजर्व पे ये, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद पर्सनली चेक की थी जब मैंने आपको अभी मैं वीडियो के एंड में आ जाएगा मैंने इसका माइलेज टेस्ट निकाला था, उसमें 38.9 किलोमीटर चली थी, जिसमें से 1 लीटर में से 100 या 150 ml गिर चुका था थोड़ा जब मैं डाल रहा था इसमें, आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो उस हिसाब से अगर पूरा 1 लीटर डलता तो कम से कम 45 से 50 तक तो निकाल ही देती है आराम से। तो मैंने इसका पूरा निकाला था, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि रिजर्व पे 60 किलोमीटर के पास चल जाएगी। हमेशा तो क्या था 40 किलोमीटर हो गए मैं पेट्रोल डलवा देता था इसमें, हमेशा ऐसा होता था। मैंने उस दिन माइलेज टेस्ट किया, इकोनॉमी में ही चलाई मैंने, बिल्कुल आराम से मेरी निकल गई इसकी माइलेज कम से कम वही 39.9। अगर वो होता कम एक्यूरेट कम से कम 45 के आसपास तो आ ही जाता। तो माइलेज का एक तो बड़ा इसका प्रॉब्लम है कि माइलेज नहीं देती है इसको, अगर 80 के आसपास चलाई या फिर 70 के आसपास चलाई तो इसका तो माइलेज बिल्कुल गिर ही जाएगा, ख़त्म ही है माइलेज बिल्कुल इसका। तो बाकी तो स्कूटी सही है इसके, बस मेरे को इसी वजह से पसंद आई है क्योंकि इसका एक तो लुक काफ़ी अच्छा है, इसका जो एजेस वगैरह है, जो कर्व्स है, इसके डिज़ाइंस कर रखे हैं काफ़ी अच्छे है, अट्रैक्टिव है ये हर बंदे के लिए। तो मैं तो प्रेफर करूँगा जो बंदा अगर ऐसी देख रहा है कि मतलब हाँ भाई उसको थोड़ा पावर चाहिए या कुछ मतलब बढ़िया चीज़ चाहिए जो लोग अट्रैक्टिव हो, थोड़ा ये चीज़ ले सकता है वो। लेकिन जो चीज़ माइलेज वाइलेज के लिए ढूंढ रहे हैं वो चीज़ के उनके लिए नहीं बनी है फिर, क्योंकि माइलेज ये निकाल के नहीं देगी जितना आप चाह रहे हो, ये कम से कम 45 या 50 तक आपको मैक्स निकाल के दे देगी ये स्कूटी। 125 सीसी के स्कूटर में ये अच्छी पावर दे, बहुत अच्छी डेवलप करता है ये अपनी पावर, बहुत अच्छी मतलब मैंने इसे कभी कभार भगा के देखी है। लास्ट मैंने इसको 105 पे इसकी टॉप स्पीड चेक की थी, मैंने 105 से पहुँच गई थी, हल्का हल्का मतलब कहते हैं जैसे कि घुट घुट के पहुंच रही है, 105 पे घुट घुट के पहुंची थी ये थोड़ी, मैं तो सही बता रहा हूँ घुट घुट के पहुंची थी। कम से कम 80-90 पे तो आराम से पहुंच जाती है, वो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 90 के बाद प्रॉब्लम आती है इसको 100 तक पहुंचने पे, तब प्रॉब्लम आती है इसको, नहीं तो पहुंच जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्टिवा वगैरह का क्या है, वो तो कम से कम आई थिंक 90 या 95 पर रुक जाती है, क्योंकि मैंने एक्टिवा भी चलाई है, एक्टिवा को मैंने भगा के भी देखा, इतनी है नहीं कुछ खास उसमें, इतना फीचर कुछ खास लगा नहीं जितना मेरे को इसमें लगा है। अगर किसी को भी चाहिए तो एंटोक ले सकते हैं, लेकिन वही लोग लीजिएगा जिसको सिर्फ अट्रैक्टिव होना है थोड़ा और मतलब पावर चाहिए स्कूटी में थोड़ी, और बाकी माइलेज का बस आप इसमें ध्यान रखिए कि माइलेज इसमें कमी देती है ये। बाकी आज का व्लॉग बस इतना ही गाइस, आपको मेरा ये आपको पॉइंट्स दिखाना था कि आज इसके 5 पॉइंट्स कौन से हैं, कभी इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे भी बात करें, पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं इसके, आपको मैं आराम से किस दिन सुनाऊंगा वो वाले तो आराम से बैठ के। तो फिर अभी फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा।